आज फिर एक तकनीक की ताकत लेकर के कोई आया है जिसका नाम दिया गया है सोशल मीडिया। घर में अगर कोई बर्थडे पार्टी हो रही हो, चार लोग मोबाइल लेकर के ना इसे कोना में मुंह घुमाए रहता है। ये हमको सोशल नहीं बना रहा है, ये हमको अनसोशल बना रहा है। इतिहास नहीं बना रहा है, इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। रोज सुबह सुबह उठिएगा तो यह मैसेज आएगा कि फटाफट 10 लोगों को यह मैसेज भेज दीजिए, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पलट करके पूछ लीजिए ना, हम कौन सा इंसान है? नौवा की दसवां, अगर हम दसवां हैं तो पहले तुम बता दो कि तुम्हारी कौन सी मनोकामना पूर्ण हो गई है। आजाद का मतलब होता है अपने ख्यालों से आजाद होना, सत्य को परख करके झूठ और सच का फर्क करना कि हम भी अपराध करेंगे तो हमारे ऊपर भी वही कानून लागू होगा, और इस देश का कोई मंत्री भी अपराध करेगा तो उसके ऊपर भी वही कानून लागू होना चाहिए। इंटरनेट का और सोशल मीडिया का सहारा लेकर के झूठ परोसा जा रहा है और सत्य को झुठलाने की कोशिश की जा रही है। जिनको हिंदी में हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं वो इतिहास में फेल हो गए थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं भाजपा में नहीं हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी मजेदार बात कही है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है, इतिहास भी उसको भुला देता है। झूठ का सहारा लेकर के ये इतिहास को पलटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनका इतिहास खराब है। इस देश के साथ गद्दारी करने का इतिहास। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनके साथ चाय पर बैठ करके चर्चा करने का इतिहास। आज की तारीख में हमको जो अधिकार दिए गए हैं उसको एक एक करके छीन रहे हैं। कि लोग झांकी निकालते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, तलवार लहराते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गंदी और गाली भरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, खास करके अपने नौजवान दोस्तों से, उसमें एक भी मंत्री का बच्चा रहता है? नहीं ना। पता है वो कहाँ रहता है? वो ऑक्सफोर्ड में रहता है, वो कैम्ब्रिज में रहता है, वो लंदन में रहता है, वो न्यूयॉर्क में रहता है। लेकिन हमारे जो कामगार के बच्चे हैं, जो साधारण नौकरी करने वालों के बच्चे हैं, उनके हाथ में तलवार थमा करके ये उनको दंगाई बना रहा है और अपनी राजनीति की रोटी सेक रहा है। अरे इतना खतरा हो गया है धर्म पर तो तुम अपने बच्चे पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेज रहे हो? उसको बोलो आकर के हमारे साथ धर्म बचाए, आए हमारे साथ रैली निकाले, झांकी निकाले। चलाकी कर रहे हो, मोबाइल हमारा, रिचार्ज हमारा, टीवी हमारा, कहानी अपना कर रहे हो। इस बेईमानी को आप समझिए। धर्म अगर बचाना जरूरी है तो खाली हम क्यों बचाएंगे? स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी और हम लोग मोटरसाइकिल लेकर के अपना तेल भरवा करके जय श्री राम। राम जी जिंदाबाद है, जय जय है श्री राम का। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये नया फैशन कैसे शुरू हुआ है? ये खेला क्या है? इस खेला को हमको समझना पड़ेगा। हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है। राहुल गांधी जी को भी अमेठी में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। राहुल जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में है ना, और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी है तो पार्लियामेंट में है क्या? तो ये परिवारवाद की नई कहानी हमको सुना रही है। आजाद होने का मतलब है आजाद ख्याल से प्रश्न करना। मैं मंच पे खड़ा हूँ तो मैं जो भी बोलूंगा उसको आप यूं ही सच मत मान लीजिए। आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना परिवारवाद है, तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह, उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यूपीए में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था। और जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। इतना मूर्ख बनाएंगे ये हमको कि सोनिया जी का कांग्रेस में होना और राजीव जी का कांग्रेस में होना परिवारवाद है, तो मेनका गांधी जी का और वरुण गांधी जी का भाजपा में होना परिवारवाद कैसे नहीं है? बताइए, हमारे जैसे लोग राजनीति को कभी अपना कैरियर नहीं समझते। हमने आपका नमक खाया है, आप जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से हमने दिन रात पढ़ाई करके पीएचडी की है। हमारा बाप अमित शाह थोड़ी था कि हम बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे। तो जब हमने आपका नमक खाया है तो हम जानते हैं इस देश की हकीकत क्या है कि महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो भारत आए, मोहनदास करमचंद गए बिहार, और बिहार के किसानों ने करमचंद को महात्मा गांधी बना करके भेज दिया, और वो गांधी सूट खोल दिए देश के लिए। एक गुजरात के मोदी 10 लाख का सूट पहन लिए दोस्त के लिए, और कहते हैं कि एक गरीब प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि जैसे
जैसे आप गरीब हैं ना, वैसा ही गरीब इस देश का हर कोई बन जाए कि चढ़ने के लिए उसके पास 8.5 करोड़ का हवाई जहाज हो, 15 करोड़ का कार हो, 10 लाख का सूट हो, 5 लाख का चश्मा हो, 2.5 लाख का कलम हो। हम चाहते हैं कि ऐसी गरीबी पूरे देश को मिल जाए। इसको कहते हैं आंख में झूठ झोंकना। किसान अगर ट्रैक्टर का लोन ना चुकता करे तो किसान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, लेकिन 12 लाख करोड़ अपने दोस्तों का कर्जा माफ कर देते। कहते हैं कि इस देश में शिक्षा देने के लिए पैसा नहीं है, लगातार एजुकेशन के बजट को कम किया जाता है। अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है, रोड अगर बनाता है तो रोड बनने से पहले ही गडकरी जी टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। एक बार जब कार खरीदेंगे तब रोड टैक्स लेगा, और फिर जितनी बार कार लेकर के रोड पे जाएंगे तो टोल टैक्स लेगा। बोलिए सही है कि गलत है? शिक्षा पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, अस्पताल पे टैक्स, दवाइयों पे टैक्स, हमसे हर चीज पे टैक्स ले रहे हैं, और बदले में क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बनिए। जरूरी नहीं है कि हमारी बात मान लीजिए, लेकिन सोचिए जरूर। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत दादा ने, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। इलेक्शन डिपार्टमेंट सक्रिय हो गया, ईडी, अब कोई घोटाला नहीं हुआ है, भाजपा के वॉशिंग मशीन में सब साफ हो गया है। इस खेल को आप समझिए कि कुछ भी सरकारी नहीं होगा तो सरकारी संसद किस लिए होगा, 20,000 करोड़ का सरकारी प्रधानमंत्री किस लिए होगा? इस देश के नागरिकों को यह समझना पड़ेगा कि इस देश में कितनी बड़ी लूट चल रही है। अंबानी का एक दिन का जो इनकम है 75 लाख, मनरेगा के मजदूरों को वेतन दिया जा सकता है। देश की आजादी को 75 साल हो गए हैं, ऐसा कैसे हो गया भाई कि 2-4 लोग बहुत अमीर हो गए और बाकी जो जनता थी वो जो है हर चीज के लिए तरसने लगी है। प्रधानमंत्री 22-22 घंटा काम करते हैं तब जाकर के देश की ये हालत पहुंची है कि इस देश में 5.5 लाख इंजीनियर हर साल पैदा होते हैं और 1.5 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती। जहाँ धर्म होगा वहाँ धर्म का झगड़ा लगाएं, जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ जात का झगड़ा लगाएं। आप मणिपुर का उदाहरण देख लीजिए, आप हरियाणा का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, वहाँ कैसे लोगों को लड़ाने की कोशिश की। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, तमाम राज्यों में ये राज्य के जो लोग हैं उनको आपस में बांटते हैं, क्योंकि अंग्रेजों से इन्होंने एक चालाकी सीखी है, फूट डालो राज करो। अगर कोई गलत है तो वो गलत है, वो भाजपा में जाने से ठीक नहीं हो जाता है। इस देश में विपक्ष को इसलिए खत्म कर देना चाहते हैं, देश के नाम पे जो इनके दोस्त की लूट है उस पे कोई सवाल ना खड़ा कर सके। आपको व्हाट्सएप पे मेरे लिए भी मैसेज आया होगा, जानते हैं हमको क्या बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। जब ये बोलते हैं तो खुद ये नहीं सोचते हैं कि ये अपने ही गृह मंत्री को निकम्मा बोल रहे हैं। ये क्यों बार बार परिवारवाद बोल करके कांग्रेस पे हमला करते हैं? जिस परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए 2-2 प्रधानमंत्री की जान गवाई हो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हो, तो शर्म से तुम्हारा जुबान कट जाना चाहिए अपने आप। अगर कांग्रेस 70 साल तक इस देश की जमहूरियत को बचा करके नहीं रखती तो जय शाह का बाप तरीपार होने के बाद देश का गृह मंत्री बन पाता? ये सच्चाई आज न कल इंसान के सामने आएगी। सिर्फ एक बात देखना है कि जो झूठ बोल रहा है, जो आपको डरा रहा है और जो नफरत फैला रहा है वो भाजपा ही। उनकी कोशिश रहेगी कि वो इधर उधर की बात करेंगे, कि इतिहास का झूठ आपके सामने ला करके परोसेंगे, कि आपको डराने का कोशिश करेंगे। डर का मैसेज आता होगा कि अब्दुल को 11 भाई बहन है, कल को अगर मुसलमान ज्यादा हो गए तो यहाँ संविधान समाप्त हो जाएगा और शरिया कानून लागू हो जाएगा, ऐसा मैसेज व्हाट्सएप पे आता है कि नहीं आता है? ये डर इसलिए फैलाया जाता है ताकि आप ये ना सोच सकें कि अंबानी की एक दिन की आमदनी में 75 लाख मनरेगा मजदूरों को वेतन दिया जा सकता है, ताकि आप ये ना सोच सकें अदानी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं, ताकि आप ये ना सोच सकें कि देश का 99% ठीका एक परिवार को दिया जाए, ताकि आप ये ना सोच सकें कि परिवारवाद इधर गलत है और परिवार बार उधर सही हो जाता है। ये जो खेल चल रहा है इस खेल को हमको समझना पड़ेगा। वो हमको जाति और धर्म में उलझा करके हमारा वोट ले रहे हैं, और जब उनको गद्दी मिल रहे हैं तो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बिलायत भेज रहे हैं और हमारे बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। कि अगर सत्य है हमारे पास तो हम सत्य की ताकत पर सत्ता से सवाल कर सकते हैं। खुली हवा में सांस लेना, अपने देश के लिए, समाज के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करना, और राज्य और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह नागरिक की जरूरतों को पूरा करे, ये होता है आजाद होने का मतलब।
बोलिए किसकी सरकार है देश में? भाजपा की। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। हमारा कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि हम तुम्हारे इलेक्शन डिपार्टमेंट से नहीं डरते हैं। इसीलिए खड़ा होकर के पब्लिकली पूरी की पूरी भाजपा के झूठों की जमात को चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो चौराहे पे खड़ा करके तुम मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन अगर तुम गलत कर रहे हो तो इस बात को याद रखना कि तमाम धन दौलत और गोला बारूद के बावजूद इस देश में तुम सत्य की आवाज को नहीं झुका सकते हो। हम कसम खाते हैं कि इस देश में सद्भावना को हम बचा करके रखेंगे, तुम्हारी पूरी ताकत को परास्त करेंगे। इस बात को याद रखना है।